एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक मुरसान में स्थित सुसावली गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 7 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर है। लगभग 2000 की आबादी व 1250 वोटरों द्वारा सुल्तान सिंह को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गाँव के विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गाँव में लगभग 295 राशन कार्ड धारक है। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला एवं जूनियर हाई स्कूल में लगभग 130 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 15 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 5 सीसी टाइल्स रोड, खड़ंजे, पानी निकासी के लिए नाली, प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल में मरम्मत कार्य व चक्रोड का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान के देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 167 इज्जत घरों का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पंचायत घर, बारात घर, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल की बाउंड्री, शमशान घाट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं ग्राम प्रधान सुल्तान सिंह, ग्राम पंचायत सुसावली, ब्लॉक मुरसान, जिला हाथरस। तो मेरे गांव में 167 शौचालय बनवाए मैंने, स्कूल शौचालय बनवाए जो मरम्मत अवस्था चल रही है, और 5 हैंडपम्प रिवोल कराए, 5 गली इंटरलॉक सीसी करी हैं, एक नाली खुदाई बने रहे थे, एक तालाब खुदवाए, एक शमशान घाट की। मेरी ग्राम पंचायत में 17 गली ऐसी हैं कि जो कमा आज तक कैसी भी ईंट ना लगी, ना नाल, ना टहल, और बाकी गली ऐसी हैं नाल ईंट लगे हुए हैं गुनम खींच रहे थे। एक 10 गली और में भी ऐसी कि नाल ईंट लगी हुई जरूर है, अब गुनम पानी भर लो, यहाँ पानी निकालना चाहिए तो दोबारा घूमूंगी। तो पैसा विकास को हम तो नए का वजह से कौन काम करते हैं, हम रिवो रू करते हैं, गली बनवाए दें, स्कूल शौचालय बनवाए दें, न कोई बारात घर, एक बारात घर होना चाहिए, एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, एक पंचायत घर होना चाहिए, ऐसी कोई सार्वजनिक जगह नहीं है, एक सेवा स्कूल की सेवा के महादि बैठ जाए इकट्ठे आगे, और एक शमशान घाट का रास्ता है बिल्कुल ब्लॉक हेरो है, तो गो रास्ता 2 से 30 मीटर दूरी है करीब, तो पक्को हो शमशान घाट को पक्के रुपया मिले, जो शमशान घाट की जो बाउंड्री का और जो मैं जो टीम चढ़ रही नल सुविधा हो। और मेरे गांव में विधवा है करीब 25, एक भी पेंशन नहीं, और 8-7 हैं करीब यहाँ विकलांग पेंशन कार्ड, और राशन कार्ड वाले बचे हैं पात्र लोग हैं वो बचे हैं करीब मान लो अभी 40 लोग बचे हैं कम से कम, तो राशन कार्ड नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह मतलब सरकार पैसा भेजे भाई वित्त में थे तो हम काम करा में, और अब पैसा तो आराम पे 8 लाख या 9 लाख, अब 8-9 लाख हम गली कर दें, हम के नल नो कर दें, स्कूल शौचालय कर दें, कहाँ कहाँ लगा दें। बस सरकार निकाल रही है कि लाभ लोही आवास, इंदिरा आवास, वो एक गुना बन पाया अभी तक आए ना है, और आ जाते हैं बनवा में क्या ना जगह ही ना गई, यहाँ पे ग्राम पंचायत जगह मेरी सब मेरी ग्राम पंचायत गिरी भई है, खाली नहीं है, अब जो रहे हुए जगह कहाँ दूँ, तो कोई आवास बनवा तो कहाँ बनवा आवास। मैं यहीं का रहने वाला हूँ, हमारे गाँव के प्रधान ने जो कुछ किया है, जितना उनको मिला है गवर्नमेंट से, उन्होंने सब काम पूरा अच्छी तरह से किया है। जिस शमशान घाट को रास्ता है जाकि लंबाई दूरी क्योंकि मान लें ऐसी करीब 230 मीटर, तो जाकू मतलब मैंने दो बार से लिख के दे रहा हूँ बराबर, तो पैसा ना आ रहा, तो जिस शमशान घाट का रास्ता पक्को हो और उस शमशान घाट में टीन शर्ट डर के एक नर लग के सुविधा हो मानी, अब न्याय आदि एक रीतवा निकल सकता, अब बोलो मुद्दे ना क्या लिख रहे हैं न्याय।